ये देखो अभी तो ब्लैक है ना, फिर ऐसी हो जाएगी ये ब्लैक, और इसमें काफी फर्क है देखो। तो चलो गाइस फाइनल करते हैं, यही कलर करवाता हूँ मैं, इनको दे देता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं, मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज मेरे को जाना है दुबई, कल मेरी फ्लाइट है। तो आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, मुझे दिल्ली में अपनी सुपर कार में रैप करवाना है, तो मैं सुपर कार दे दूंगा और फिर कल सुबह निकलूंगा मैं दुबई के लिए। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है पूरे एक हफ्ते का, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो आज फर्स्ट डे है मेरी ट्रिप का, तो आज दिल्ली रुकूंगा और अपनी सुपर कार को मैं दूंगा कलर चेंज कराने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें येलो या फिर व्हाइट करा रहा हूँ। फिलहाल ब्रेकफास्ट करता हूँ जाने से पहले, चाय और ब्रेड खाते हैं मस्त और निकलते हैं। बाकी सब तो सो रहे हैं, पीयूष कुनाली साहिल सब सो रहे हैं, तो अब उनसे मिलूंगा मैं सीधा एक हफ्ते बाद। मिलते हैं एक हफ्ते बाद मिलते हैं आराम से। और हम दिल्ली मिलेंगे, रास्ते में धुंध हो रही होगी, थोड़ा आराम से चला के जाना, धुंध हो रही होगी ना। सुपर कार रेडी है, लेके निकलते हैं। बाय 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 बाय। तो गाइस अभी घर से निकले हो, मुझे एक घंटा हो चुका है और उजाला हो चुका है, और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज मैं अकेले आ गया। मम्मी मतलब मना कर रही थी कि अकेले नहीं जाना, बट फिर मैं आ गया। अब बुरा लग रहा है बिकॉज मम्मी को बुरा लग रहा होगा कि मैं अकेले चला गया, मम्मी को टेंशन हो रही होगी, बट मेरे को अकेले ही जाना है दुबई भी और सब जगह। तो मैं किसको लेके आता, फिर वापसी हल्द्वानी आना पड़ता जो भी मेरे साथ में आता, इसलिए फिर मैं अकेले आ गया। बट मम्मी को बुरा लग रहा होगा, जब तक पहुंचूंगा नहीं मम्मी को टेंशन होगी अब। बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी अकेले भी जाना पड़ता है ना। दिल्ली में तो मेरे को पारस भैया मिल जाएंगे, तो उनके साथ में रह लूंगा मैं। 4-5 घंटे निकल जाए बस रास्ते के, फिर मम्मी को फोन कर दूंगा मैं पहुंच गया हूँ सेफली अच्छे से, फिर मम्मी की टेंशन खत्म हो जाएगी। गाइस मैं आपको स्पीड दिखाऊं कैसे बढ़ती है, एकदम से बढ़ती है 50, 100, 150, 200, एकदम से 100 पहुंच गई, 100 पहुंच गई, 120 पहुंच गई, ऐसे ही भाई 150 पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। तो नॉर्मली मैं 100-110 पे चल रहा हूँ मस्त। गाइस पहले मुझे लगता था कि हम सुपर कार को ना इंडियन रोड्स पे नहीं चला सकते, बट गाइस हम किसी भी सुपर कार को चला सकते हैं कहीं भी, क्योंकि इंडिया की रोड अच्छी है भाई। मतलब मैं हल्द्वानी में चलाता हूँ, मैंने पहाड़ पे चलाई है, मैं नॉर्मली डेली यूज करता हूँ, तो चला सकते हैं। तो गाइस दिल्ली पहुंचने वाला हूँ और यहाँ पे पोल्यूशन का हाल देखो भाई, अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, सब कुछ धुंधला दिख रहा है, देखो धुंधला सा। गाइस आगे देखो कितना खतरनाक ट्रैफिक है दिल्ली में, आगे सिर्फ दो चीजें डर लगती है, एक है पोल्यूशन और एक ट्रैफिक। गाइस अभी इतनी मस्त चीज हुई है ना, मेरी गाड़ी में लाइट आ गई सर्विस की, सर्विस करानी है इसकी। भाई मैं तो इसमें रैप कराने आया था, कलर चेंज कराने आया था इसका, सर्विस कराने के लिए नहीं आया था भाई मैं, और इसमें लाइट आ गई कि सर्विस कराओ इसकी। ये देखो सर्विस लाइट आ गई यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पारस भैया के पास में, पारस भैया में जाएंगे इसे कलर चेंज करवाने के लिए, उसके बाद फिर सर्विस कराएंगे, सब कुछ वो ही करा देंगे, मैं गाड़ी उनके पास छोड़ दूंगा मस्त। तो गाइस पारस भैया के पास पहुंच चुके हैं, एक तो सर्विस करानी है इसकी और कलर चेंज कराना है। तो पारस भैया निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी, इन्होंने ऑरेंज करा ली, पहले मैं सोचा था कि मैं भी ऑरेंज कराऊं, बट येलो इससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो पारस भैया घर से निकल गए, सामने उनकी गाड़ी चल रही है। तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं शॉप पे जहाँ से हम अपना कलर चेंज कराएंगे, पारस भाई ने भी यहीं से कराई थी ऑरेंज, तो मैं येलो करा रहा हूँ, येलो कराई थी मस्त, येलो बहुत प्यारी तो है। चलते हैं अंदर देखते हैं कौन सा कलर है। गाइस ये देखो भाई अंदर से कितनी मस्त है, सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं लेकिन कम्फर्टेबली एकदम, ये सीट सब ऊपर हो जाती है पैर वैर से उसके, और ऊपर देखो ऊपर भी लाइट है इसमें। तो गाइस मैं ये वाला कलर सोच रहा हूँ, देखो क्या मस्त चमक रहा है येलो, ये देखो अभी तो ब्लैक है ना, फिर ऐसी हो जाएगी ये ब्लैक, और इसमें काफी फर्क है देखो। तो ये व्हाइट भी करा सकते हैं भाई, नहीं व्हाइट मजा नहीं आएगा, व्हाइट मैट येलो भी मतलब नहीं मेरे को तो यही वाला लॉस बेस्ट लगेगा। ये ऑरेंज रेड मरून भाई क्या है, अरे स्काई ब्लू आपके पास, स्काई ब्लू नहीं ये वाला स्काई ब्लू येलो। तो चलो गाइस फाइनल करते हैं, यही कलर करवाता हूँ मैं, इनको दे देता हूँ। कमेंट कर देना कौन सा बेस्ट लग रहा है इनमें से, मेरे को तो येलो ही लग रहा है, येलो ही चमक रहा है। ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, ग्रीन भी करा सकते हैं, बट ये तो अलग ही चमक रहा है देखो। तो भैया हमारे लिए जूस लेके आए हैं, थैंक यू भैया, चले फिर बैठो चलते हैं, ठीक है सर ओके मिलते हैं। अभी यहाँ पे स्कूल के क्यूट क्यूट से बच्चे मिले, इनके पास फोन नहीं है तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, आ जाओ। अभी तक पास फोन नहीं था, आप कहाँ से फोन आए, हम घर गए फिर आए। तो भी गाइस मेरे साथ में जो हुआ है ना, कैसे बताऊं आप लोगों को, मतलब इतना बड़ा पोपट कि मतलब मेरे को कल दुबई जाना है, मेरे पास फ्लाइट की टिकट है, कल सुबह 9 बजे मुझे निकलना था, बट मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मेरा पासपोर्ट मतलब वीज़ा के लिए गया हुआ था बट मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है भाई, मैं कैसे जाऊँगा। जिन्होंने फ्लाइट टिकट बुक कराई ना, वीज़ा लगवाया, तो मैंने उन्हीं को दिया था, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, एम्बेसी में रह गया या फिर VFX ऑफिस रह गया। मतलब मैंने कहा पासपोर्ट के बिना कैसे जाऊंगा, बिना पासपोर्ट के जा ही नहीं सकते भाई। तो भी गाइस पूरा का पूरा मूड खराब हो गया मेरा, मैं एक्साइटेड था दुबई जाने के लिए, बट अब मैं जा नहीं पाऊंगा, मतलब कल सुबह तो नहीं जा पाऊंगा, फिर अब देखते हैं जब मेरा पासपोर्ट आएगा। और मेरा पासपोर्ट मतलब पता ही नहीं है उनको कहाँ है भाई, अजीब सा हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं इतनी दूर से आ गया, हल्द्वानी से दिल्ली आ गया स्पेशली दुबई जाने के लिए, मैंने अपनी गाड़ी भी दे दिया है, अब मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है। चलो गाड़ी तो मेरे को मिल जाएगी,
मैं 3-4 दिन से इतना एक्साइटेड था, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुबई जा रहा हूँ, व्लॉग में भी बोल रहा हूँ, मैं 3-4 बैग पैक किए अपने, सब कुछ पैक किया मैंने। जिनको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको अपनी फ्लाइट की टिकट दिखाता हूँ दुबई की, ये देखो, दिल्ली टू दुबई, दुबई टू दिल्ली, मतलब आने जाने की पूरी बुक हो रखी थी मेरी। देखो कल की ये रही, सुबह 9:30 बजे की टिकट थी 1 तारीख की, 1 दिसंबर की, और ये 4 दिसंबर की मेरी वापसी थी, मतलब 4 दिन के लिए मैं दुबई में था। मस्त, ये देखो मेरा नाम भी है यहाँ पे, और ये देखो 2 टिकट है आने जाने की, पूरी टिकट है पूरी, देखो नीचे तक पूरा है, 1 लाख रुपए की टिकट है। देख लो गाइस, मेरे पास इतनी बढ़िया टिकट है दुबई की, बट मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है मेरे हाथ में, तो मैं जा ही नहीं सकता यार। अब फिलहाल मैं अपने दिल्ली वाले घर पे आ गया हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह वापस हल्द्वानी के लिए निकल लेता हूँ, अच्छा भला आया था मैं, और ऊपर से मैं अकेला हूँ यार, और अजीब सी फीलिंग आ रही है अकेले तो भाई, ऐसा लग रहा है क्यों ही आया मैं, पासपोर्ट था नहीं मेरे हाथ में। अब ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, अकेला हूँ। गाइज अब याद आ रहा है, मम्मी ने बोला था कि अकेले मत जा। देख लो गाइज, मम्मी लोगों के पास होती है सुपर पावर, मम्मी ने बोला था किसी को ले जा साथ में, वो तेरे साथ में रह लेंगे पूरा दिन, अगले दिन फिर वापस आ जाएंगे जब तू दुबई जाएगा तो, बट देखो दुबई जाने कैंसिल हो गया। तो अभी मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया अपने लिए, बिकॉज घर में कुछ पड़ा नहीं था भाई खाने के लिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह मैंने बस चाय और ब्रेड खाए थे, उसके बाद से भाई रात के देखो 9:30 बजने वाले हैं। चिप्स मंगाए हैं, पानी की बोतल और फ्रूट्स मंगाए हैं, तो अब ओट्स ही बना लेता हूँ बस। तो गाइस खाना रेडी है तो यही खाऊंगा, इसके बाद मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, नई मूवी आई है एनिमल, वो देख के आते हैं, पारस भी और मैं जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी के लिए आज ही निकल लूंगा, बिकॉज भाई रहा नहीं जा रहा अकेले, अजीब सा लग रहा है मुझे। रात के 12 बजे मूवी है मेरी, तो वो 3 बजे तक कंप्लीट होगी, 3 बजे कंप्लीट होगी, 4 बजे मैं हल्द्वानी के लिए निकल लूंगा मस्त अपना। तो भी रात के 10:30 बज चुके हैं, तो मैं निकलता हूँ मूवी के लिए सीधा, ना मेरा मूवी का प्लान था ना मेरा वापस जाने का प्लान था, तो मैं सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भी घर से निकल गया मैं मूवी के लिए, और मेरे पास अब ये गाड़ी है BMW, अब सुपर कार तो गई कलर चेंज करवाने के लिए, उसको टाइम लगेगा, अब इतने यही चलाएंगे BMW, यही मैं हल्द्वानी ले जाऊंगा। एनिमल्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल। फाइनली मूवी कंप्लीट हो गई है भाई, क्या नेक्स्ट लेवल थी भाई, सदमे में चला गया हूं। सुबह के 4 बजने वाले भाई, 3.5 घंटे की मूवी थी, 3.5 घंटे की, अभी सब जा रहे हैं उनके बाद मैं जाऊंगा, अभी भीड़ निकल जाएगी ना फिर निकलेंगे, और मैं तो सीधा हल्द्वानी निकलूंगा सीधा। चलो पूरा खाली हो गया, अब निकलेंगे, निकले फिर, अब निकले, लेकिन मजा आ गया भाई, है ना सदमे में भाई। तो फाइनली मूवी देख के आ गया हूं, और पूरा मेरा मूड ठीक हो गया भाई, इतनी नेक्स्ट लेवल मूवी थी, अलग ही मूवी थी भाई। तो मतलब बच्चे बच्चे मत देखना, थोड़ा उसमें खून खराब है ज्यादा था, बट हाँ लेकिन बहुत अलग ही मूवी थी, और सुबह के 4 बज चुके हैं, मतलब 4 घंटे की मूवी पहली बार देखी भाई मैंने, मतलब 3.5 घंटे की मूवी थी, आधे घंटे का इंटरवल भी था, मतलब 1 सेकंड के लिए बोर नहीं हुआ भाई। तो अब निकलता हूँ मैं सीधा हल्द्वानी, सही टाइम है, सुबह के 4 बज रहे हैं, 8-9 बजे तक मैं हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा मस्त, और मैं ये BMW लेके जा रहा हूँ हल्द्वानी, आया था सुपर कार लेके, जा रहा हूँ BMW लेके भाई, 5 घंटे ड्राइव करनी है भाई, रास्ते में तो फुल धुंध है देखो। तो भी रुका था मैं चाय वगैरह पीने के लिए, चाय वगैरह पी ली, अब चलते सीधा अपनी गाड़ी को लेके सीधा। तो गाइस वापसी आ चुके हैं उसी रोड पे जहाँ से हम हल्द्वानी से दिल्ली आए थे, अब दिल्ली से हल्द्वानी जा रहा हूँ भाई, अब तो कुछ भी नहीं दिखा देखो सामने। गाइस मेरे को तो अभी घर पहुँच के एडिटिंग भी करनी है, मैंने एडिटिंग भी नहीं करी है, मेरा व्लॉग भी लेट होएगा आज पक्की बात है, बिकॉज मैं 8 बजे तक घर नहीं पहुंचूंगा, यूजुअली मेरा व्लॉग 8 बजे आता है ना। दुबई जाना कैंसिल होने की वजह से मेरा सारा सिस्टम खराब हो गया भाई सारा, मैं तो सुबह 4 बजे का निकला हूँ दिल्ली से, और 7 बजने वाले हैं, 3 घंटे हो गए मुझे, अभी भी शायद 2-3 घंटे और लगेंगे, बिकॉज फॉग हो रहा है ना, स्लो चलानी पड़ रही है, पता नहीं यार क्या हो रहा है लाइफ में, पूरा पोपट हो रहा है, मतलब एक ही व्लॉग में मैं हल्द्वानी से दिल्ली, फिर दिल्ली से हल्द्वानी जा रहा हूँ, काश हल्द्वानी में एयरपोर्ट होता। तो अभी गाइस मैंने गाड़ी रोक ली है साइड में, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं अभी एडिटिंग कर लेता हूँ, बिकॉज अभी 1 घंटा बाकी है, तो जल्दी जल्दी एडिटिंग करते हैं, फिर इसको अपलोड पे लगाकर फिर चलेंगे, क्योंकि 8 बजे तक मैं घर तो पहुंचूंगा नहीं, तो इससे बड़े अभी एडिटिंग करके इसको कंप्लीट करके इसको अपलोड पे लगाकर फिर चलते हैं, ऊपर से फॉग भी हो रहा है, स्लो चलानी पड़ रही है, इससे बड़े एडिटिंग कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। पीछे बैठता हूँ, पीछे देखो लैपटॉप रखने का भी है, यहाँ पे लैपटॉप रख लूंगा, चलो पीछे चलते हैं। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं निकलूंगा हल्द्वानी के लिए, बाहर तो भाई फॉग बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, सॉरी गाइस दुबई नहीं जा पाया, पासपोर्ट ही नहीं आया मेरे हाथ में, अब मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो भाई आ गया था दिल्ली तक, बट उन्होंने ही पता नहीं पासपोर्ट मेरा कहाँ है, जो जब भी मिलेगा अब देखते हैं। तो चलो अपडेट दे दूंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, देखना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच गए,